अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पेशावर सलमी के कप्तान और पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम की पाकिस्तान सुपर लीग के 29वें मैच के बाद ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ नाज़रीन, बाबर आजम का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहना था, आज आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। लेकिन इस वीडियो की जाने पढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप भी बाबर आजम के फैन है तो इस वीडियो को भी दिल से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाबर आजम ने कहा कि साई महूब अब ऑलराउंडर बन गया है, साई महूब के होने से हमें बॉलिंग में अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। जबकि नाज़रीन, एक सवाल के जवाब में बाबर आजम ने कहा कि मैं तनकीद पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, ग्राउंड में परफॉर्म करता हूँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। जबकि नाज़रीन, बाबर आजम ने मजीद कहा कि मुझ पर किसी चीज का प्रेशर नहीं है, मैंने जो भी फैसला किया वो पाकिस्तान के लिए किया, मैं फंड डाउन खेलने पर साथी तौर पर मुतमाइन नहीं था मगर पाकिस्तान के लिए किया। नाज़रीन, फास्ट रहे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम को फंड डाउन खेलने पर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिसको बाबर आजम ने पाकिस्तान की खातर एक्सेप्ट करते हुए फंड डाउन खेलने पर तरजीह दी। लेकिन नाज़रीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि मैं साथी तौर पर मुतमाइन नहीं था, मुझे डायरेक्टर की जानिब से जो कहा गया मैंने वही किया।